तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने चारशंबे के रोज कहा कि वो कौमी जमहूरी इतिहाद यानी कि एनडीए की मीटिंग के लिए नई दिल्ली जाएंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की मीटिंग के लिए जा रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए कि वक्त के साथ अगर कुछ हुआ तो हम आपको आगाह करेंगे, मैं तजुर्बेकार हूं, मैंने इस मुल्क में बहुत सी सियासी तब्दीलियां देखी हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत आंध्र प्रदेश की आवाम की जीत है। बीएसपी सरबराह मायावती ने मुसलमानों पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा अफसोस समझकर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया जाएगा मौका। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी की खराब कारकर्दगी का जायजा लेने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इंतखाबात में मुनासिब नुमाइंदगी देने के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रही है, इसलिए पार्टी मुस्तकबिल में ऐसा नहीं कर सकेंगी। बहुत सोच समझ कर ही आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों को मौका दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी की हिमायत करने पर दलित बरादरी बिलखसूस जाटों बरादरी से इजहार तशक्कुर किया, लेकिन मुस्लिम बरादरी के तई अपनी नाराजगी का भी इजहार किया। काबिले जिक्र है कि इस साल लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी ने ज्यादा से ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। मुस्लिम कम्युनिटी को रिवायती तौर पर समाजवादी का वोटर समझा जाता है और माना जाता है कि इस बार भी एसपी और कांग्रेस को मुस्लिम कम्युनिटी के ज्यादा वोट मिले हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज यानी चारशंबे को दिल्ली के लिए रवाना हुए। एनडीए की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, वो इसमें हिस्सा लेंगे। दिलचस्प बात ये रही कि अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव उसी परवाज पर सवार हैं जिससे वजीर आला नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। रिपोर्ट के मुताबिक परवाज सुबह 11 बजे रवाना हुई। दोनों रहनुमाओं के फ्लाइट पर जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने के बाद हुकूमत बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होने वाली है। चंद्रबाबू नायडू और दीगर से होगी बातचीत, उद्धव ठाकरे का ऐलान। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कल पार्लियामानी इंतखाबात में उनकी पार्टी की शानदार कारकर्दगी पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बीजेपी लीडरान समेत मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से नकली शिवसेना का लकब दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र की अवाम ने उनके उम्मीदवारों को फतेह दिलाकर इसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। नेज अब असल लड़ाई का आगाज होगा। उद्धव ठाकरे ने मजीद कहा कि वो दिल्ली जाएंगे और इंडिया अलायंस के लीडरान से मिलकर मुस्तकबिल का लाहेमल तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत साजी के लिए चंद्रबाबू नायडू और दीगर उन सभी सियासी पार्टियों के सरबराहों से बातचीत की जाएगी जिनका इंडिया अलायंस से सियासी समझौता नहीं था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि हमारे उम्मीदवारों को हर तरह से परेशान किया गया, उसके बावजूद हम कामयाब हुए। मुल्क में कम से कम 17 मुस्लिम उम्मीदवारों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी की हासिल, जिनमें टीएमसी के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर में शिकस्त दी। इस साल लोकसभा इंतखाबात में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जो गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में बहुत कम हैं। उस वक्त मुख्तलिफ जमातों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। जामा मस्जिद नई दिल्ली के इमाम मौलाना मुहिबुल्ला नदवी की रामपुर से शानदार जीत। मौलाना ने बीजेपी उम्मीदवार को 87,000 वोटों से हराकर रामपुर से कुल 4,81,503 वोट हासिल किए। मौलाना मुहिबुल्ला नदवी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम हैं। वो तकरीबन 15 साल से उस मस्जिद के इमाम हैं। मुस्तकिल तौर से वो रामपुर की तहसील सवार की ग्राम पंचायत राजा नगर के रहने वाले हैं। वो साबिक काबिनी वजीर आजम खान के खेमे से नहीं हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट दिया गया था। उनकी आजम खान के खेमे ने बाइकॉट और मुखालिफत की थी। हिजाब की मुखालिफत करने वाली जरूरत पड़ने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए हिजाब का सहारा लेने पर मजबूर हैं। बेंगलुरु की रेप पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्जाम का सामना करने वाली तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस हेमा को जब बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार करके मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया तो उन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए बुरखे का इस्तेमाल किया। पुलिस की निगरानी में हेमा जब बुरखे में अस्पताल पहुंची तब वहां मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला हैरत में पड़ गया। अस्पताल के करीब मौजूद मीडिया के नुमाइंदों ने हेमा की इस हरकत पर हैरत का इजहार किया। बताया जाता है कि हेमा ने जब गिरफ्तारी के बाद बुरखा पहनने की कोशिश की तब पुलिस ने एतराज जताया, लेकिन हेमा ने पुलिस से दरख्वास्त की कि उन्हें बुरखा पहनने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मीडिया की नज़र से बच सके। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नतज के बाद उम्मीद की जा रही है कि तेलंगाना में अहम सियासी तब्दीलियां रूनमा होंगी। कांग्रेस और बीजेपी को फीकस 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और बीआरएस का मुकम्मल सफाया हो गया। बीआरएस की अबतर हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 हल्के जात में पार्टी
दूसरे नंबर पर रही जबकि बाकी में तीसरा मकाम हासिल हुआ। तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के दौरान और फिर रायदही के बाद सर्वे और एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया गया था जबकि बेशतर एग्जिट पोल में बीआरएस को एक भी निश्चित हासिल न होने की बात कही गई थी। सर्वे रिपोर्ट्स और एग्जिट पोल तेलंगाना के बारे में दुरुस्त साबित हुए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डबल डिजिट निश्चितों पर कामयाबी का दावा किया था लेकिन दोनों पार्टियों को 8 निश्चितों पर इक्तफा करना पड़ा।